पसंद है राजा? यार बेटा तुम्हें कहीं नहीं, अब तुम शादीशुदा होने वाले हो, तुम्हें आने के लिए किसी की इजाजत चाहिए? नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। मेरे तो रात को भी दरवाजे खुले रहते हैं, जब मर्जी चाहो आ जाओ। हाँ देख बेटा, अभी तेरी शादी की सारी तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं, भाई एक महीने के अंदर अंदर तेरा हिसाब किताब सारा कंप्लीट कर देना। बारात का मैं सारा लिख रहा हूँ। हैं, अच्छा ये जो होटल है अपना JW मैरियट, ये चलेगा? समझे क्या बात करें, क्या शादी की बात करते हो? बेटा मैंने तो फिक्स कर दी तेरी, मैं अभी लड़की वालों के पास में जाके तो उनको बोलना है कि ये फला फला जो होटल है वहाँ पर हमारा एक तो बारात का है हिसाब किताब, दूसरा शगुन का है, हाँ, और तीसरा है विदाई का। हाँ कुछ बात करनी है। क्या बोलो ना बेटा? पापा बचपन से लेकर आज तक आपने बस मेरी बात आज तक नहीं सुनी। मैंने ना आप मेरी बात सुनते हो, ना माँ मेरी बात सुनती है, और माँ तो आपके आगे कुछ बोलती नहीं है। वैसे बेटा उसको बोलना भी नहीं चाहिए, उसकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। मेरे सामने ना कोई बोले तो अच्छा ही नहीं। अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई, इतना मुंह लटका क्यों हुआ है? पापा ना आपने बहनों की शादी भी ज़बरदस्ती करी, बस ग्रेजुएशन के बाद उनकी शादी करवा दी आपने, कभी मुझसे उनकी इच्छा नहीं पूछी आपने। हाँ तो उनकी इच्छा अगर मेरे घर में सारी जिंदगी पड़े रहने की होगी तो मैं उनकी इच्छा पूरी कर दूँ? और लोग ढूंढते हैं कि जल्दी से जल्दी बेटियों की शादी हो जाए ताकि वो लोग सेटल हो जाएं हमारे होते होते। अगर ज्यादा उम्र में अगर बेटियों की शादी करो तो अच्छे बच्चे नहीं मिलते, क्यों? यंग एज में जो चेहरे के भाव होते हैं वो अच्छे होते हैं, सुंदरता रहती है, ज्यादा पक जाने से एज ठीक नहीं होती। आपको पता है कि अर्चना खुश नहीं हुई मेरे अपने में? बेटा वो एक अनफॉर्चुनेट बात, हमने तो अपनी तरफ से अच्छा परिवार देखा था, सब कुछ देखा था। अब तुम अपना मसला बोलो ना, अर्चना की बात बाद में करेंगे। तेरा ये शादी का यहाँ पे चल रहा है, मैं अभी ये तेरा विजिट अपना जो इनविटेशन कार्ड है वो छपने के लिए दे रहा हूँ, और तुम अर्चना की बात लेके आ रहे हो। पापा बचपन से लेके आज तक जैसा कि मैं कह रहा हूँ आपने कभी मेरी बात नहीं सुनी, ना मेरे को मेरी मनपसंद चीज़ें लेनी दी, ना कभी आपने गाड़ी लेनी दी, और मैं शादी नहीं कर सकता। क्यों शादी क्यों नहीं कर सकते? पिछली बार मैं आपको कितना मना करना चाहता था लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी और आप चले गए, और मम्मी तो आपको आगे कुछ बोलती नहीं है। मुझे कोई आप पसंद करता तुम्हें कौन पसंद है? वो तो दिखाओ, लड़की तो दिखाओ, तो मैं उसी लड़की से तुम्हारी शादी करा देता। ठीक है, अगर बाई चांस इनसे मैंने बात कर ली है, पक्की भी कर दी, और अगर वो तुम्हारा पहले से अगर अफेयर था तो मुझे बताना चाहिए था ना कि तुमने किसी और के साथ में हिसाब किताब अपना तय कर रखा। मुझे राहुल पसंद है। राहुल जी, मैंने आपको कभी बताया नहीं पापा, आई एम गे। तुम गे हो? आप इतना शौक? नहीं, मैं शौक की बात मेरा मैं समझ नहीं रहा हूँ, समझ पा ही नहीं रहा हूँ। तुम कब से गए हो गए? पापा मैं हमेशा से गया था। तुम्हें लड़की कभी आज तक तो कोई पसंद ही नहीं आई? नहीं पापा। उसने कोई लड़की तुम्हारे पास ही नहीं आई आज तक तो? पापा आपने कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की, इनफैक्ट ना आपने बहनों को समझने की कोशिश की, ना आपने कभी मुझे समझने की कोशिश करी। आप बस हमेशा अपना फौजी रूल चलाते हैं घर पर, लेकिन पापा मैं शादी नहीं कर सकता। यार एक बात सुन, तुमने आज तक किसी स्त्री के साथ आदान प्रदान ही नहीं किया, तो कभी मिला ही नहीं किसी लड़की को आज तक? पापा राहुल से मैं करीबन 6 महीने पहले मिला था। अच्छा, और उससे पहले कोई और तो नहीं था ना? पापा ये 6 महीने से तो गे हुआ ना, उसके पहले से तो गे नहीं था ना? उससे पहले भी रिलेशन थे पापा मेरे, लेकिन अच्छा पार्टनर्स बदली होते रहते रहे। जी पापा, लेकिन आप हम लोगों की सोच काफ़ी मिलती है, और अब हमें ऐसा लगता है वो समय आ गया है कि हमें साथ रहना चाहिए। हम समाज के हर एक बंधन को तोड़ देना चाहते हैं। तो देखो बात खाली समाज की नहीं है, बात सिर्फ समाज की नहीं, बात है अपने व्यवहार की, अपने जीवन की।
एक इंसान अगर उसकी फैमिली ना हो तो वो क्या जिएगा क्या जीवन में? एक लड़के के साथ क्या फैमिली क्या है, किधर है फैमिली उसकी? है दिल्ली में। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ कि आगे अगर तुम्हारी कोई फैमिली नहीं होगी तो राहुल बच्चा पैदा कर सकता नहीं कर सकता? हमने गोद लेने का सोचा और हम दिल्ली में नहीं रहेंगे। अगर अगर गोद लेने की बात सोची है तो उसको भी गे बनाओगे? वो गे है पापा। नहीं, जो जिसको गोद लोगे उसको भी गे बनाओगे? पापा उस पर निर्भर करता है, और वो जैसा भगवान ने जैसा उसको बनाएगा वो वैसा रहेगा। लेकिन अभी एक बात बताओ यार, बचपन में तो तुम ठीक ठाक थे पापा, आप तुम कैसे? अच्छा, बचपन से भी नहीं ठीक थे पापा? ये होना ठीक ही होता है, इसमें खराबी क्या है? नहीं, मैं मानता हूँ तुम्हारी ये होना ठीक क्या है, मेरे को समझ नहीं। सामान्य है? सामान्य नहीं है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर है, असामान्य। अब मुझे पता था आपके इस तरह के ही एक्सप्रेशन और इस तरह के ही विचार होंगे, और मैं हर एक तैयारी के साथ आया हूँ। किस चीज़ की तैयारी? यहाँ पे कोई जंग की तैयारी हो रही है? पापा तैयारी में मेंटली पूरा प्रिपेयर्ड हूँ, आप हाँ कहें या ना कहें। यार मेरी बात सुनो, तुम ये शादी करो, मैं तुम्हें एक आइडिया बता रहा हूँ, और अपनी बीवी के साथ रहो, दो दिन में तुमको जो तुम्हारा रुझान जो है वो औरतों की तरफ हो जाएगा। नहीं होगा पापा, मैंने वो भी एक बार कर कोशिश करके देखी थी। तो किसी के पास गया जी पापा? तो स्कूल में, स्कूल में लड़की, स्कूल में थोड़ी ना, और कहीं ज़रा थोड़ी बड़ी लड़की के साथ गया था कहीं? जी पापा, मैंने हर तरह की कोशिश करी है, लेकिन तो वो लड़की के साथ बैठ के तुमको कुछ महसूस नहीं होता? कुछ महसूस नहीं होता एकदम मामला। राहुल ही अब मेरा प्यार है पापा, राहुल ही मेरा प्यार है। आपने बचपन से बस पापा मुझे आपसे इतना कहना, क्या क्या गारंटी है कि राहुल सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहेंगे? क्योंकि राहुल एक मैच्योर आदमी है, 35। वो शायद आ गया है, वो देख इधर खड़ा राहुल। राहुल इधर आओ, राहुल आओ। हाय हाय, तो जनानियों का तो क्या देखो पापा? राहुल पीपी अंकल, पेरीफोना। पेरीफोना को पीपी बोलते हैं? हाँ, मैं बैठ जाऊँ? हाँ, नहीं तो खड़ा ही रहे मामे, खड़े रह के तेरे ज्यादा आओ भाव नजर आ गया। और बताओ कैसे आना हो? मुझे तुमने बताया नहीं आज। वो मैच था ना आज, इंडिया पाकिस्तान का, 11 मर्द एक बॉल। ओ शिट, तो विकेट्स का क्या करोगे? खाली बॉल के साथ खेलोगे? नॉटी मनोज, तुम्हारे पापा भी वेरी नॉटी। नेचुरली लेके जाना है इसको, तो ये क्या खेलेगा मैच? मैच तो फिर तुम्हें मालूम है कौन खेलते हैं? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा खेलता है। ओह दैट वे, हाईवे, हाईवे एंड हाईवे बोथ। राहुल, यू आर अमेजिंग गाय। थैंक यू। योर पेरेंट्स मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू, नहीं? दे आर। अनलाइक मी राहुल, अनलाइक मी, माय फादर डजंट सीम टू बी प्राउड ऑफ मी। नो नो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर गेटिंग इनटू दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, सच अ नाइस बॉय, एंड आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। यू पीपल, यू पीपल आर प्लानिंग to have a family also? Yes. You will adopt? Yes, sir. And that's actually, you know, I tell you one thing, everybody should adopt only, because the population is increasing like anything. So, at least if you don't produce children, yeah, you know, basically you can't. But anyway. you know one thing? He wants to cancel his marriage. Papa, don't act like that. You're embarrassing me. No, I'm not embarrassing. I like his way of. Rahul, please don't. Rahul, please don't get embarrassed. How you feel? You see, he's charged when I touch him. You like men like me. Please, uncle, please, aise mat kijiye. You like men like me, not like him, right? I like the mustache, though.
I knew it. You should grow your mustaches. No, chalo. He's so home. But he's so home. Yeah, I am. That's why you have me. Oh, I tell you, you've got a man. Chalo. Rahul. Yes, yes. My papa meri shaadi kahin aur karte hain. Okay. No, now I've dropped the idea. Okay. Now, after seeing you, such a nice baby, you know. Yeah, I'll be very good to you. As yes. Like them? Yeah. Like him? Yeah. But I don't have that kind of taste and tendencies. You know. I'm sure you can tell that one. No. No? Never. Okay. But I will make you good clothes. I'm a fashion designer, you see. Yes. I know you design a lot of fashions. Papa, mudde ki baat karein. You're not getting married, I know that. I am, Papa, I am. We've decided. Hey, you people get married if the court allows you to get married. Yes. Right? You can have marriage certificate. Okay. But remember one thing. If you have committed to each other, stay with each other for whole life. Don't think of leaving your man easily. Easily we only wanted your permission, Papa. You are married. अब ऐसा लगता है कि आप शायद ज़िंदगी में पहली बार मिलने कुछ करेंगे. Of course. पहली बार करेंगे नहीं कर दिया मैंने. तुम लोग दोनों मैरिज कर लो. हैं? और कहाँ सेटल होंगे? Out of this place. हम लोग गोवा सेटल होने का सोच रहे हैं. Oh, you are caressing me. रंडिशन कम है. He is caressing me. Look, he's got wrong tendencies. No, sorry. Today he's caressing me, he'll be caressing another man next day. No. He is likely to leave you very soon. My father's testing it out. I'm okay. Papa, hame aapka aashirwad chahiye. Thank you. Darling, do one thing. Could you please wait outside for some time? Sure. Yeah? I'll send him back. Okay. Thanks, but Rahul. He'll be joining you soon. Thank you for coming in. मुझे लगता नहीं कि तुम आते थे ये possible होगा. You people don't kiss each other? Please. You don't make me do this. You don't kiss in public? No. I'll turn my face. No. I'm waiting for you. Yeah. I'll be waiting for you. Bye. Love you. You're such a sweet baby. Nice cheeks. आपके पसंद किसकी पापा? तुम्हारी है. Thank you. बहुत कमला लड़का ढूंढा है यार तूने. जी पापा. है हिसाब किताब सेट रहता है इसके साथ? जी पापा, ये मेरी कंपनी में मुझे मिले थे. वाह यार, मुझे नहीं कभी ऐसा लौंडा मिला कभी. आपको कैसे मिला पापा? आप कब से लौंडे ढूंढने लगे? मैं मुझे कोई एतराज नहीं लाइफ में. जो चीज मिल जाए, जो जी आए राजी जाए. नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वत तक. मैं तो हर एक को खुश रखता हूँ. पापा, ये रूप मैं आपका पहली बार देख रहा हूँ. वही रूप तुम्हारे अंदर आया. शुक्रिया. ये गलती मेरी है, क्योंकि मैं भी हिसाब किताब सब चला लिया करता था. ओह पापा, काश आपने मुझे पहले बता दिया होता. हमारे बीच में इतना डिस्टेंस नहीं होता. अब तो बहुत डिस्टेंस कम ही हो गया ना. अब तो तू गोद में भी बैठ सकता है. इतनी कम हो गया है डिस्टेंस. थैंक यू पापा, पहली बार. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. मम्मी को कैसे समझाएं? मम्मी को मैं बता दूंगा कि तुम्हारा हिसाब किताब बिल्कुल अलग है. तुम्हारा तुमको खामखा सारी जिंदगी के लिए एक जाल में, जंजाल में फंसाने का कोई काम नहीं. आई एम नॉट दैट क्रूअल बेटा. और बात तुम्हारी जिंदगी की नहीं बनी. सुनो मेरी बात, उस लड़की की जिंदगी, उसको ला के मैं घर में रख दूंगा और उसका मर्द ही उसको नहीं मिले तो फिर फायदा नहीं. उसके लिए जिंदगी खराब हो जाएगी. मैं तुम्हारे अंतर भाव बिल्कुल समझ गया. ये शादी का आंसर. अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं रियलिटी कर रहा. मेरे रियलिटी मजाक लगता है और मजाक मेरा रियलिटी लगता है. ऐसा है मेरे बहुत सारे चक्कर. बट आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल समबडीज डॉटर्स लाइफ. माय सन्स लाइफ इज रुइंड. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. एंड रुइंड इन द सेंस इट्स मेड. इट्स मेड. इट्स मेड. हां यस, प्लीज करेक्शन. Your life is made and happy, so you go and live with your friend. Thank you, Papa. And make him feel happy. I love you, be Papa. Happy. God bless you. I love you. God bless you. Thank you, Papa. Thank you.
राहुल हाँ इधर